तो फिलहाल दोस्तों अभी क्या है, सुबह सुबह का टाइम है, 10-11 बज रहा होगा ना, उतना टाइम हो रहा है। और अभी अपन जा रहे हैं गुड़पारा गुरुद्वारे और रानू का, जहाँ पर रानू का घर है, और वहाँ पर आज प्रोग्राम है, तो वहाँ पर प्रोग्राम अटेंड करते हैं और आपको दिखाते हैं। संगत बहुत बाद में बैठी है, हालांकि ऐसे साथी जना थे थके हुए हैं, पर संगत आप सारे सवेर तो सतगुरु जी के दर्शन कर रहे हो, सतगुरु जी के चरणों में बैठ के सारिया दुख तकलीफा सारे भय भाव उठ जाते हैं। सो समा थोड़ा है, सतगुरु जी कहते हैं औसत बीते उजात है, अंगुर तेग बारी कहते हैं पातशाह जी की बाणी हर जस देव ना ठाकुर जी प्रोग्राम था सवेरे का था, सवेरे के बाद फिर घर पर गया सोया वगैरह, और उसके बाद शाम को फिर आ चुका हूँ गुरुद्वारे, और अभी प्रोग्राम चल रहा है और इतने सारे बच्चे मिलना चाहता है। ठीक है दोस्तों, अपना अपना नाम बता दो सब, अपना बता दे। ठीक है दोस्तों, आप सबने मिल गया। ठीक है दोस्तों, अभी अपन जा रहे हैं लंगर तक में, बाजू में लंगर हॉल है, तो आइए चलते। तो दोस्तों लंगर वगैरह छक लिया, और ये बच्ची रह गई थी, अपना नाम बता दो। इन्होंने भी कहा मेरे को अपने ब्लॉग में लीजिए, तो मैंने कहा ठीक है आपको भी ले लेते हैं। दीक्षा अरोरा हाय कर दो सबको, हेलो आप सबको कर दिया। मुझे जानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो फिलहाल दोस्तों रात के 11:30 बज रहे करीब, और अभी अपन ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आपको मैं एक बार पीछे गुरुद्वारे का व्यू दिखा देता हूं, देख सकते हो गाइस कितना सुंदर लग रहा है ना। तो फिलहाल दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हाथ रख। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। खोपड़ी तोड़, समझ रहे हो, समझ रहे हो, जरा सबर करो। ये बंदा कितनी देर तो एम ही पी जा रहा है, पी जा। Ha ha ha!